दृश्य ये है कि महागठबंधन के मुकाबले बीजेपी ने कुढ़नी में अपनी बढ़त साबित की है और ये बढ़त बीजेपी खेमे को उत्साहित कर रहा है। क्या उत्साह है, हमारे सहयोगी रजनीश एक बार फिर प्रयास करेंगे उन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने की। और साथ साथ रजनीश ये भी आप बताएं कि जो उत्साह है वो अगर 24-25 तक यूं ही जारी रहा तो क्या इस शीत सत्र में भी उस उत्साह का एक प्रकटीकरण देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं बीजेपी कार्यालय के। जितेंद्र आइए और दिखाइए कि बीजेपी कार्यालय का माहौल क्या है, कैसे जगह जगह अबीर गुलाल दिख रहे हैं और सभी के हाथ में ये अबीर और गुलाल है। देखिए बचा मैम गुलाब की, पूरा गुलाल उड़ा दिया। हाँ पूरा गुलाल उड़ा दिया। आज इतनी इतनी खुशी मिली है, खुशी से मरना जाऊं वाली जो गाना है तो हम लोगों को ए सनी, हम इतनी खुशी मिली है इस खुशी से मरना जाऊं तो ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम लोगों को तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन केदार जी को टिकट मिला था, उसी दिन हम लोग तय कर लिए थे कि हम लोग का जीत सुनिश्चित है। तो जीत सुनिश्चित है और देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो तमाम पूर्व मंत्री रामसूरत जी, क्या रामसूरत जी कितनी खुशी, कैसी जीत मुजफ्फरपुर से। बहुत 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 हाँ टीका लगवा लीजिए। हाँ बताइए, मैं आज हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार और देश दोनों अति उत्साहित है और खास करके मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ। मुजफ्फरपुर में कुढ़नी उपचुनाव था, मैं विगत 15 दिनों से वहाँ काम कर रहा था। वहाँ की आम आवाम जनता ने, जो हमारी परंपरागत वोटर्स हैं, सवर्ण हो जारी रहेगा 2024-25 तक ये कंटिन्यू की जीत में इतना उत्साहित। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन और 300 साल नहीं 100 साल भी उत्साहित रहती है क्योंकि ये काम करना जानती है। जीत जीत आपकी हुई है महागठबंधन के खिलाफ, लेकिन आप लोगों के बयान सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ आ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के खिलाफ की जीत है? सारे चीजों को बर्बाद करने वाले नीतीश कुमार हैं। आज के दिन में नीतीश कुमार से लोगों को एलर्जी है क्योंकि उनके द्वारा जितना नाम उनके पार्टनर के द्वारा रखा गया, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। और जमीन पर जिस तरह से गरीब को, दलित को, शोषित को, वंचित को जिस तरह से त्राहिमाम कराया जा रहा है, दारू के नाम पर, तारी के नाम पर, अमला फौजी जो तैयार, जश्न जारी रहेगा ना? ये जश्न तो हमेशा कंटिन्यू 25 तक जारी नहीं रहेगा, आगे के 25 तक जारी रहेगा। अच्छा चलिए आगे पर खुशी है बहुत आप लोगों को जीत की, खुशी होनी भी चाहिए। जिस नीतीश कुमार महागठबंधन में गए, अब महागठबंधन के लोग पूरे बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से देश को खतरा है, संविधान को खतरा है। जो गांव गमई के लोग हैं उनको दिमाग में गंदगी फैला रहे हैं। तो कुढ़नी की जनता ने ये साबित किया कमल छाप को जिता करके, केदार गुप्ता को जिता करके, कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो देश को आगे बढ़ा सकती है।